अपने मास्टर कीवर्ड्स जो हैं वो निकालते हैं। टोटल ये कीवर्ड्स हैं जी आपके 282। अब मैंने इनको मास्टर कीवर्ड्स में से निकालना, तो ये शीट है मेरी, ठीक है। यहाँ मैं जाऊंगा कीवर्ड फ्रेजेस में, कंट्रोल शिफ्ट एरो की डाउन, सारे सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी से कॉपी, आर टैब, और यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट एज वैल्यूज, ठीक है जी। ये फ्रेजेस आ गए। आगे हमें चाहिए सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम को भी इसी तरह कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉपी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी रेफरेंस के लिए ये रेलिवेंट है, ये सुपर रेलिवेंट है, जो भी आपने मार्क किया होगा कीवर्ड में वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये आपके लिए ऑप्शन है, डालें ना डालें, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हमने जो है मास्टर कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे व्यू मेन्यू में, मैक्रोस, व्यू मैक्रोस, ठीक है। यहाँ पे हम दिस वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे, तो ये आ रहा है मास्टर कीवर्ड्स, तो इसको रन करेंगे, इसको प्रोसेस कीवर्ड्स करेंगे। अब ये कीवर्ड जो है प्रोसेस हो रहे हैं, ओके। अब ये देखें नई शीट बन के आ गई है। अच्छा, इसमें पहला कॉलम है मास्टर कीवर्ड्स, फिर दूसरा है मास्टर कीवर्ड का जो है मास्टर सर्च वॉल्यूम, फिर इसके अंदर कौन कौन से फ्रेजेस हैं वो, और उनका इंडिविजुअल सर्च वॉल्यूम। मैं जरा आपको समझा देता हूँ कैसे हैं। अब ये देखें, कीवर्ड है 12 पैक सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स, ठीक है, 12 पैक सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स। अगर आपको इसका नॉर्मल सर्च वॉल्यूम देखेंगे वो है 292। अब पहले मैं ये आपको दिखा दूं कैसे इसको आप सर्च करेंगे, लेकिन ये हमें कह रहा है कि ये मास्टर कीवर्ड है। क्यों? कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स, ये आ रहा है इसके अंदर सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स, तो 4700 हमारा इंडेक्स हो गया। लिड्स आ रहा है उसका 3200 सर्च वॉल्यूम, वो भी इंडेक्स हो जाएगा। लिड जो है ना ये खाली आ रहा है 1700, स्ट्रेच लिड्स आ रहा है 1200, सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स आ रहा है 500, 12 पैक ये जो खुद है 300, फिर स्ट्रेच लिड, पहले वो लिड्स था अब ये लिड है। तो इतने सारे कीवर्ड इस 292 वाले कीवर्ड में कवर हो रहे हैं। तो बजाय ये कि मैं खाली सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स लिखूं, तो मैं इस तरह से अगर लिख देता हूं, ठीक है, मेरा पैक है 12 या नहीं ये एक अलग बात है, ठीक है। तो अगर मेरा पैक वाकई 12 है तो मैं फिर इस कीवर्ड को यूज कर लूंगा, एंकर हॉकिंग बेसिक। अच्छा, मैं यहां से फिल्टर हटा देता हूं। अब क्या करता हूं मैं, ये देखे ना ये उस तरह से ये बने हुए हैं, ये देखें ये बना हुआ है, हाँ जी ये देखें ये है, फिर ये देखें ये है, हाँ ये चौरासी, ठीक है, फिर इसके बाद ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब मुझे मास्टर कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी ये वाले ना दिखाए, सिर्फ ये मास्टर जो है ना ये वाले दिखा दे, ठीक है। फिर मैं उसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, जो रेलिवेंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर बाकी तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से चेक ऑल को हटा के, सॉरी यहाँ पे से जीरो वाला को हटा दूंगा सिर्फ। अब ये मास्टर कीवर्ड आ गए सिर्फ। अब इसमें मैं जाके सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो अब ये सॉर्ट भी हो गए। अच्छा जी, अब ये आ गए कीवर्ड्स के लिहाज से, तो सिलिकॉन लिड्स फॉर बाउल्स एंड कवर एंड फूड कवर, इसको इस्तेमाल करते हैं आप, तो कितना हो गया 1500 का जो है, 15000 का सर्च वॉल्यूम। सिलिकॉन लिड्स फॉर पॉट्स एंड पैन, इसको इस्तेमाल करते हैं तो 13000 का, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने यूज, ये आपका मास्टर सर्च वॉल्यूम, यानी कि एक में कितने जो है ना मजीद कवर हो रहे हैं एक ही कीवर्ड में। तो मकसद तो हमारा इंडेक्स करना ना, ताकि कोई भी लिखे तो आ जाए। ये याद रखिएगा कि हमेशा जो सर्च होती है ना अमेजोन पे, फर्ज करें ये कीवर्ड है आपने ये डाला हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन लिड्स फॉर बॉर्न फूड कवर, अगर कोई लिखता है आपका सिलिकॉन लिड सिर्फ, ठीक है सिलिकॉन, तो ये आपका हो जाएगा सर्च शो हो जाएगा, मतलब कि इंडेक्स हुआ हुआ है ना आपका, इंडेक्सेशन जो हुई है वो हुई है सिलिकॉन लिड्स के लिए, सिलिकॉन लिड्स फॉर बाउल्स के लिए, सिलिकॉन लिड्स फॉर बाउल्स एंड फूड कवर्स के लिए। अगर कोई जो है सर्च करता है सिलिकॉन कवर्स, तो उसके लिए आप इंडेक्स नहीं है, ठीक है ना, सिलिकॉन कवर। फूड कवर के लिए भी, हाँ फूड कवर के लिए है, क्योंकि ये इकट्ठा आ रहा है, तो ये फ्रेज फॉर्म में अमेजोन जो है ना वो करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक लफ्ज इधर से एक लफ्ज इधर से, इस तरह से नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं फ्रेज
फ्रेज होने की वजह से ही हमें इसकी मास्टर की जरूरत पड़ती है, अगर ये ना होता तो शायद हमें फिर जरूरत ना पड़ती। तो फ्रेजेस बनाने के लिए हम इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को उठा लेते हैं, लॉन्ग टेल जो है, लॉन्ग टेल उनको कहते हैं जिनकी जो है नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा होते हैं। तो अब हमने इनको यूज करना है, ठीक है।